उत्तराखंड में मतदान हो चुके हैं। इस बार के मतदान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं राजनीतिक दलों ने भी युवाओं को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। युवाओं को लुभावने ऑफर भी दिए गए, लेकिन क्या उत्तराखंड के युवाओं ने इस बार नेताओं का भाषण सुनकर वोट दिया? आखिरकार वो कौन से मुद्दे थे जिन्हें दिमाग में रखकर यूथ ने अपने नेता को वोट दिया? और देहरादून के युवा किसे मानते हैं अपना सीएम? सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। देखिए देहरादून के कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के युवाओं के साथ हमारे संवाददाता राकेश डोलियाल की ये रिपोर्ट। नमस्कार, यंगिस्तान की सोच में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश डोंडियाल और आज इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम यंगिस्तान आ पहुंचा है देहरादून के कुआं वाले स्थित सीआईएमएस इंस्टीट्यूट में, जो एक पैरामेडिकल स्कूल है, पैरामेडिकल कॉलेज है। और यहां के बच्चों से, यहां के यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने 15 फरवरी को जो वोटिंग की है, क्या मुद्दे थे उत्तराखंड में, किन मुद्दों को देखते हुए उन्होंने वोटिंग की है, और अगर पिछले 16 सालों की बात करें उत्तराखंड की, तो क्या यूथ सोचता है कि उनके हिसाब का, उनके सपनों का उत्तराखंड बना है, और क्या कमियां रह गई हैं, सरकारों ने क्या किया है उनके लिए। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे यहाँ के यूथ से। मुद्दा ये मेन यही है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस भी तरह से हो, कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अगर हमारे लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो हम वही चाहेंगे कि वही सरकार आए जो डेवलपमेंट करती है। तो 16 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, क्या यूथ के लिए या पहाड़ का विकास हुआ है? पहाड़ का विकास तो प्लेन्स का ज्यादा हो रहा है, उस तरीके से तो पहाड़ों का कम हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि अब पहाड़ों में भी फैसिलिटीज उतनी आए जितने की प्लेन्स में आ रही है। तो जिस तरीके से रोडवेज को लेके या हॉस्पिटल्स, मेडिकल, किसी भी इंजीनियरिंग लाइन, जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से प्लेन्स में हो रहा है, उसी तरह से पहाड़ में भी हो तो लोगों का जो माइग्रेशन है वो कम होगा और जो डेवलपमेंट है हमारा इंडिया का वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। पहाड़ों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तभी जाकर उत्तराखंड में जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, वो रुक पाएगा। आप क्या सोचते हैं, किस किन मुद्दों पे आपने 15 फरवरी को वोटिंग दी है, क्या मैंने तो सिर्फ कांग्रेस को वोट किया है, मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, इसलिए मैं भी उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। बीजेपी में क्या कमियां दिखती है, बीजेपी को क्यों वोट नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है कांग्रेस को, इसलिए मैं भी सपोर्ट करती हूँ, तो वो भी हमारे लिए तो काम करते हैं, हम भी उनके लिए वोट करते हैं। तो आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपसे जाने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दे थे जो आपके जहन में थे, जिनको देख के आपने वोटिंग की है? मोस्टली ये होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा उत्तराखंड में, ज्यादातर प्लेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे लगा लो पहाड़ की बात है, पहाड़ में जैसे सड़क है कोई भी नहीं है, मतलब एक्सीडेंट इतने होते हैं कि क्या बताएं, मतलब हर दिन हो रहे हैं एक्सीडेंट। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी सरकार बने वो पूरा डेवलपमेंट पे ध्यान दे। आप नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, आपको मौका मिलेगा अगर पहाड़ में सेवाएं देने का, क्योंकि हमेशा आरोप लगता है कि डॉक्टर नहीं होते पहाड़ में, टीचर्स नहीं होते, इंडस्ट्री नहीं है पहाड़ में, इसलिए पहाड़ का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आपको मौका मिलता है नर्सिंग का कोर्स करने के बाद, अगर सरकारी नौकरी मिलती है, तो क्या पहाड़ में जाना आप प्रीफर करोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, मैं गढ़ वाली हूँ, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वहाँ कुछ जाना जरूरी समझूंगी। आपको क्या दर्द लगता है पहाड़ का, क्या दिक्कतें हैं पहाड़ में? जो कि पहाड़ में ये है कि जब, मतलब एक गांव की बात लगा लो और एक शहर की बात लगा लो, शहर में हर फैसिलिटी उपलब्ध है, पर पहाड़ में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसे प्लेन्स में, मतलब हॉस्पिटल में आने के लिए, तब तक वो इंसान तो खत्म हो जाएगा ना, उसको क्या, मतलब कोई जरूरत नहीं मिल पाएगी। तो वही है कि हमारा, मतलब पूरा विकास, मतलब पहाड़ की तरफ होना चाहिए। अब विकास की बयार जो है पहाड़ की तरफ बहनी चाहिए, ये कहना है यहाँ के यूथ का। आप क्या सोचते हैं, बाकी सही कह रहे हैं पहाड़ में विकास की अभी अधूरा रह गया पहाड़ विकास से? हाँ, क्योंकि मैं खुद चमोली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के जो मेरे आसपास के लोग हैं, सब लोगों ने पलायन कर चुके हैं यहाँ देहरादून की ओर, तो बहुत कम लोग ही हैं कि जो वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर विकास हो, तो फिर जो लोग पलायन न करें यहाँ। कैसे हो सकता है पहाड़ का विकास, क्या क्या रोड मैप हो सकता है कि जो पहाड़ में आपके हिसाब से किस तरह से विकास? तो वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल वगैरह बने, जैसे एजुकेशन के लिए हो, जैसे मैं यहाँ पे आ रही हूँ नर्सिंग के लिए, तो वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज वगैरह नहीं है, तो ये सब कुछ वहाँ पे बनना चाहिए, जिससे बच्चे यहाँ इधर उधर ना जाएं, कहीं वहीं रहे आसपास में पढ़ने के लिए। पहाड़ का विकास का रोड मैप इस तरह का होना चाहिए कि वहीं पे सारी सुविधाएं अगर मुहैया की जाए, तो वाकई में पहाड़ का विकास हो सकता है, जो कि मुझे लगता है अभी तक सरकारों ने इस ओर शायद ध्यान नहीं दिया, और विकास का जो मॉडल है वो कुछ प्लेन के चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रह गया है। अब बात करते हैं कुछ जो जेंट्स जो है बच्चों से, आपका नाम? कमलदीप सिंह। कमल जो है, किस तरह का विकास, क्या मुद्दे रहे होंगे आपके जहन में जो आपने 15 फरवरी को वोटिंग की होगी, तो किस तरह से विकास होना चाहिए? मेरा मानना तो यह है, विकास और उन्नति का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, ठीक है, और मैं पूरे बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, क्योंकि आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी पूरा कॉर्पोरेट करना है, और मैं चाहता हूँ कि हमें भी उनके साथ कॉर्पोरेट करना पड़े, ताकि
लेकिन यहाँ का विकास तो यहाँ का मुख्यमंत्री है, यहाँ की सरकार करेगी। मोदी जी कैसे, वो तो हेल्प कर सकते हैं, यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा। और 2007 में हमने देखा बीजेपी ने जिस तरह से खंडूड़ी जी को प्रोजेक्ट करके सीएम बनाया था, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद खुद ही बीजेपी वाले उनकी टांग खिंचाई में लग गए और उनको हटा दिया। तो कैसे श्योर करोगे आपकी जो है इस जो सरकार बनेगी, मोदी जी देखते हैं। अब वो इसमें बहुत काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो जो वर्किंग पीपल है वो उस बंदे को उस जगह पे कर रहे हैं कि वो वहाँ पे पूरा काम कर सके। नहीं, लेकिन हरियाणा में, जैसे हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकारें हैं, मोदी जी का कितने दौरे लगे अभी उसके बाद सरकार बनने के, मोदी जी तो नहीं जा रहे वहाँ पर, खाली चुनाव में आएंगे उसके बाद जो है इनके भरोसे छोड़ देंगे, ये अपने टांग खिंचाई में दोबारा से लग जाएंगे। कैसे देखो, इंडिया कोई छोटा जगह नहीं है, क्योंकि हर जगह, हर एक प्लेस पे अगर तरक्की करनी है तो कुछ टाइम तो लगेगा। जिस जिस जगह पे वो जा रहे हैं वहाँ पे बहुत, आप दिल्ली की बात कर लो कितनी मतलब कि डेवलपमेंट हुआ है, आप उत्तराखंड की बात कर लो, अब देख लो कि मतलब कि उनके सीएम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस के टाइम में ये सड़कें कब बन रही थी, आप देख लो कितनी तेज काम हो रहा है आजकल सड़कों का, कितने हॉस्पिटल फैसिलिटी। मोदी जी पे यहाँ के यूथ का यकीन है कि मोदी जी विकास करेंगे, और सरकार अगर बीजेपी की बनेगी तो निश्चित तौर से उत्तराखंड का ध्यान मोदी जी रखेंगे। आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या मुद्दे रहे होंगे आपके जहन में, आपने जो है वोट किस आधार पे किया और कैसी सरकार चाहते हो उत्तराखंड में? मैं एक ऐसी सरकार चाहता हूँ जो हमारे गाँव का विकास करे, क्योंकि जो हमारे गाँव के लोग हैं वो शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में हमारी कोई फैसिलिटीज है नहीं। मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चों को ये मौका मिले और गांव में भी हमारी उन्नति हो। आप एज ए सीएम, दो ही पार्टियां उत्तराखंड में हैं, बीजेपी या कांग्रेस, तो कौन सा मुख्यमंत्री पसंद करते हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस में या बीजेपी में, कौन सा मुख्यमंत्री होना? मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री पसंद करता हूं। कौन 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 होगा वो, नाम कौन होगा उसका? त्रिवेंद्र सिंह रावत होगा। आप कौन सा चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी का, कौन सा मुख्यमंत्री होगा, तो किसको या कांग्रेस का कौन? त्रिवेंद्र सिंह को ही मैं सपोर्ट करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत। आप कौन सा होगा? त्रिवेंद्र सिंह। आपका? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये देखना ये होगा कि बीजेपी वाकई क्या उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है, अगर उनकी सरकार बनने की नौबत आती है तो। इस प्रोग्राम में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे यहाँ के युवाओं से। ब्रेक के बाद यंगिस्तान की सोच में आपका स्वागत है। हम हैं देहरादून के CMIMS इंस्टीट्यूट में, जहां हमारे साथ यहां का यूथ, यहां के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर और आखिर कैसे पहाड़ का विकास हो, क्या उनकी सोच है, किस तरह से पहाड़ का विकास हो सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे जारी रखते हैं। आप बताइए कि पिछले 16 सालों में उत्तराखंड को बने हुए हो गए, किस तरह का कोई विकास दिखता है पहाड़ों में, या पहाड़ आपको लगता है कि कुछ मैदानी इलाकों तक ही विकास सिमट कर रह गया? विकास तो मैदानी इलाकों तक सिमट कर रह गया, क्योंकि जो पहाड़ों का विकास होना चाहिए उस दर पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहाड़ों का विकास धीरे धीरे हो रहा है। अगर सड़क की बात करें तो गाँव में बहुत कम सड़कें हैं, यातायात की व्यवस्था एकदम ठप है। कैसे लगता है आपको कि आपकी आपकी यूथ हैं, आप भी सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे होना चाहिए विकास, और क्या आप जब चुनाव में वोट करते हैं या जो कैंडिडेट्स आते हैं आपके पास वोट मांगने, तो क्या उनको आप अपनी मनसा नहीं बताते कि भाई इस तरह से पहाड़ का विकास होना चाहिए, क्या किन क्या, क्या? बताते हैं, दिलासे दिए जाते हैं कि होगा, इस बार होगा, हमें आप वोट दीजिए, इस बार होगा, और कोई बातें नहीं सुनता। फिर कैंडिडेट खाली चुनाव में आते हैं, इनको लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं, लेकिन विकास जो है पहाड़ों का अभी तक भी अधूरा है, जानने की कोशिश करते हैं। आप जो है जब कैंडिडेट चुनाव में आते हैं तो क्या आप नहीं बोलते कि पहाड़ का तो विकास हो नहीं रहा, आप जो है आते हो चले जाते हो उसके बाद जस की तस स्थिति है? अब ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं, जो भी सरकार, जो भी चुनाव के बाद मतलब जो भी कैंडिडेट इनका आता है, वो मतलब उसका वही रहता है कि सिर्फ अपने अपनी भर लो, अपनी जेब भर लो। बाकी गांव में आप पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों में बिल्कुल गांव देखिए आप, ना वहाँ पे रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ पे स्कूल तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोगों को सात सात आठ आठ किलोमीटर बच्चों को पहाड़ी बच्चों को सात सात आठ आठ किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है स्कूल में पढ़ने के लिए, और वहाँ भी क्या गवर्नमेंट टीचर हैं, कभी छुट्टी कभी कुछ, टीचर ही एबसेंट मिलते हैं। तो इस वजह से पहाड़ों में जो वो होगी, जो डेवलपमेंट होगा पहाड़ का, वो तभी मुमकिन है जब मतलब कि सरकार गांव पे मेन ध्यान दे। जो पलायन हो रहा है गांव से शहर की तरफ, सब शहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि देहरादून जो है वो राजधानी बन चुकी है उस इसी उत्तराखंड की, सब गांव में से देहरादून की तरफ आ रहे हैं, तो गांव बिल्कुल सुनसान पड़े हैं फिलहाल। सरकार को गांव पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो नेता तो आते हैं चुनाव में और अपने जेब भरने की पहली मंशा रखते हैं, उसके बाद पब्लिक की अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो उनका जेब भर गया, भाड़ में जाए जनता, इस तरह का सोच रखते हैं। और ये बड़ी बात है कि यूथ
उत्तराखंड का यूथ इस बारे में उनको पता है कि नेता किस तरह की मंशा रखते हैं, आगे जानने की कोशिश करें। आपने जो वोट दिया होगा, अभी वोट दिया है, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के वोट दिया, वाकई पहाड़ों का विकास हो पा रहा है? जी नहीं हो पा रहा, लेकिन वही है ना, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी हैं और स्टेट में पिछली बार कांग्रेस थी। या तो फिर केंद्र में कांग्रेस आनी चाहिए या फिर स्टेट में बीजेपी आनी चाहिए, तभी एक सरकार होगी, तभी विकास हो पाएगा। आपको क्या लगता है, स्टेबल गवर्नमेंट की अगर बात करें, जैसे 2007 में बीजेपी को मौका मिला था सरकार बनाने का, लेकिन क्या हुआ, खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री बने, कुछ साल बाद, एक दो साल बाद उनको हटा दिया गया, दूसरा मुख्य, तो क्या स्टेबल सरकार दे पाएगी बीजेपी या कांग्रेस, कौन स्टेबल सरकार दे पाएगी? अभी तो केंद्र पे जो है तो बीजेपी दे पाएगी, लेकिन बीजेपी को मौका मिला था 2007 में, वो तो फिर उसके बाद एक साल बाद उन्होंने खंडूड़ी जी को हटा दिया, फिर निशंक जी आ गए, फिर खंडूड़ी जी आ गए, तो इस तरह से क्या नहीं लगता आपको कि उत्तराखंड का विकास जो है कहीं ना कहीं जो धीमा पड़ जाता है, उस पर ब्रेक लग जाता है अगर अनस्टेबल सरकार? यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि केंद्र में तो दूसरी सरकार है और फिर स्टेट में कांग्रेस है, या तो फिर केंद्र में एक ही होनी चाहिए, जब भी तो कुछ हो पाएगा विकास, वरना ऐसे तो नहीं हो पाएगा। यूथ का कहना ये भी है कि दोनों जगह एक ही सरकार होनी चाहिए, अगर कांग्रेस की है तो स्टेट में भी कांग्रेस की, सेंटर में अगर बीजेपी की है तो स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप इत्तेफाक लगते हैं कि दोनों जगह जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं एक तरफ दूसरी हो तो दूसरी तरफ, मतलब एक ही तरफ हो एक जैसी सरकार, ठीक है, मेन बात है कि दोनों साथ काम करने को हो, ठीक है, देश सबका है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का इंडिया है और इसका भी इंडिया है, अलग अलग नहीं बांटना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है, सबका एक ही देश है तो सब मिलजुल के भी काम कर सकते हैं। आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, हॉस्पिटल में यहाँ से बहुत लोग आ रखे हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, अब मैं बोलूँ तुम नेपाल से हो तुम हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, ये इंडिया का हॉस्पिटल है, इसमें आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो अगर नेपाल का भी कोई आ रहा है और हिंदुस्तान का भी कोई आ रहा है, अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हम मिल के काम कर सकते हैं, तो ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस भी मिल के काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि आप बीजेपी हैं तो वो उसकी टांग खींचे और अगर कांग्रेस वाला है वो उसकी टांग खींचे। उत्तराखंड में स्टेबल सरकार कौन दे पाएगा, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, अभी यहाँ जो सरकार बैठी है अभी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जो काम करते जाएगा हम उसके तरफ है। नहीं, अगर बात है उन्नति की बात है तो उन्नति सरकार से नहीं आती, उन्नति हम लोगों से भी आती है, ठीक है, अब मान लो अभी ये रोड बन रही है, ठीक है, बाहर हाईवे मेन बन रहा है, ठीक है, पूरा जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद सरकार को याद आएगा इसमें पाइपलाइन खुदनी है, उसके बाद दोबारा खुदेगी लाइन, ठीक है, फिर इसमें पाइपलाइन गिरेगी, फिर जब वो दोबारा बन जाएगी उसके बाद इन्हें कुछ याद आएगा वायरिंग डलनी है। भाई जब अगर आपको हाईवे बनाना है तो एक बारी में पूरा प्लान करिए, आपको नीचे से क्या बिछाना है क्या करना है, उसके बाद रोड बना दीजिए, अब बीच में शादी हो गई वो रोड, ये गलती किसकी है, किसकी कौन है, ये तो सरकारी जिम्मेदार है ना, सरकारों को देखना, सरकार जिम्मेदार है, अगर लोग रोड खोल रहे हैं तो उनके ऊपर चालान वो भेज दिए, अब उनके ऊपर फाइन डालिए। पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो पिछले 16 सालों में कांग्रेस की भी सरकार रही, बराबर मौका मिला बीजेपी की, लेकिन अनस्टेबिलिटी जो दी है वो बीजेपी की देन है, क्योंकि वो शुरू से ही जब उनकी जो है शुरुआती सरकार थी उस समय भी दो दो मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद फिर 2007 में सरकार आती है, दो नहीं चार मुख्यमंत्री बदले गए जहां तक मुझे पता है, लेकिन कांग्रेस जो रहती है उसका बीच में अगर स्टेबल रहती कुछ हद तक तो लगता है आपका? हाँ लगता है, अगर वो काम करेगी तो, अगर जनता उसको सपोर्ट करेगी, जो भाई मेनली जो काम करता है जनता उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता भी जानती है हम लोग पागल तो बैठे भी नहीं है कि क्या किसको वोट देना है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम करेगा यूथ उसी को वोट देगा। और जानने की कोशिश करेंगे, आपने देखा होगा पहाड़ों में, पहाड़ में गए हो? नहीं, मैं प्लेन का यहीं गई हूँ। पहाड़ में अभी उत्तराखंड में रह रहे हैं, कोई जाने का मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। प्लेन वाले इलाकों की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपको डेवलपमेंट दिखता है? हाँ, उत्तराखंड प्लेन इलाके में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आजकल सड़कें बन रही है, क्योंकि इलेक्शन थे तो सड़कें बन रही है, इलेक्शन ना होते तो काम ही बंद पड़ा है। आपने आईएसबीटी का पुल ही देखा होगा, कब से काम शुरू हुआ था, अब इलेक्शन होने वाले थे तो इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया कांग्रेस ने। तो आपको लगता है आप मैदानी क्षेत्र के, वो पहाड़ में भी और मैदान में, उत्तराखंड एक ही स्टेट है, इक्वल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं दिखता उत्तराखंड में? हाँ, ये तो है, पहाड़ों में कब डेवलपमेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे एक तो स्कूल की प्रॉब्लम है पहाड़ों में, टीचर जाना कोई पसंद नहीं करता पहाड़ों में, तो इस वजह से बस सैलरी जाता है वहाँ पे, सारे टीचर एब्सेंट मिलता है, जब भी जो भी पढ़ाने जाता है बच्चा, मतलब बच्चे को वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। इस वजह से सरकार कहती है कि यहाँ जो इम्प्लॉई हैं वो जाना नहीं पसंद करते, ना डॉक्टर ना टीचर ना और भी डिपार्टमेंट के, क्योंकि वो चाहते हैं मैदानी क्षेत्रों में रहे। तो क्या आपको मौका मिलेगा पहाड़ में सेवा करने का, अगर जॉब लगती है आपकी तो जाना पसंद करो? जी जरूर जाना पसंद करेंगे, जॉब लगेगी तो। हमारा आपको यही है कि मदद करना लोगों का, ठीक है ना, हम लोग नर्सिंग इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पर पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो डॉक्टर हैं तो यहाँ जो है वो भी सेवा कर, उनका भी मोटो है सेवा करने का, लेकिन पसंद नहीं करते वो मैदानी इलाकों में।
क्यों करेंगे भाई? अब मान लो अगर कोई डॉक्टर है, उसकी फैमिली वहाँ है, अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर वहाँ पहाड़ों में रहेगा और क्या बोलते हैं उसके बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे। वो चाहेगा अपनी फैमिली को अपने साथ रखना, हर कोई चाहता है कि अपनी उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके साथ रहेंगे। अब पति वहाँ बैठा है, ये यहाँ पर बैठा है, अगर मान लो वो पहाड़ पर रख रहा है, ना स्कूल है ना कुछ है, वो कहाँ पर क्या अपने बच्चे को क्या शिक्षा देगा? खुद तो अपना आपको डॉक्टर बन गया, अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पढ़ाएगा? यूथ ने बड़ी बात बोली है कि डॉक्टर क्या वजह है कि डॉक्टर या टीचर जो है पहाड़ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि डॉक्टर अगर सपोज करो पहाड़ में जाता है लेकिन उसकी फैमिली कहाँ रहेगी, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनके आखिरकार रोजगार का क्या होगा, पहाड़ में इस तरह की सुविधाएं नहीं है। इसलिए डॉक्टर और टीचर कोई भी हो वो पहाड़ पे जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके बच्चों की जहाँ भविष्य का सवाल होता है वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। तो ये कौन इस बारे में फोकस करेगा, कौन इस बारे में सोचेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे यूथ से क्या वजह रहती है फिर जो है पहाड़ में वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते, टीचर नहीं जाने की कोशिश करते, डॉक्टर करते हैं, क्या वजह मानते क्यों नहीं जाने? ये देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकार की बनती है, और हर कोई पहाड़ की ओर नहीं जाना चाहता, इसका भी मेन रीज़न ये है। और यही एक कारण, एक ये भी कारण है कि लोग जो पहाड़ से वो प्लेन इलाके में माइग्रेट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ का डेवलपमेंट, जो फैसिलिटी उन पेरेंट्स के बच्चों को यहाँ मिलती है, अगर वही फैसिलिटी पहाड़ में दी जाए तो मेरा ये मानना है कि हर कोई पहाड़ में जाने के लिए खुश होगा, ना कि निराश। सरकार सबसे मेन है कि सब मिलजुल कर काम करें, क्योंकि जब तक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। टीम वर्क हर जगह बोला जाता है। और सबसे मेन जो दो मुद्दे हैं वो है शिक्षा और रोजगार। जब तक शिक्षा और रोजगार को मुद्दा का नहीं बनाया जाएगा तब तक देश का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। बोला जाता है ना कि जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा तभी तो उसका डेवलप होगा और तभी रोजगार मिलेगा। ये दो चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा सरकार को जोर देना चाहिए। आप क्या चाहते हो, कैसी सरकार बने? ऐसी सरकार चाहती हूँ जो एक फैमिली बनकर अपनी जनता की प्रॉब्लम समझे और डेवलपमेंट करे, विकसित करे हमारा देश जो अभी विकासशील है। कैसी सरकार चाहते हो? जो वादे बोले बोले ना उसे पूरा भी करे। आप? हमें डेवलपमेंट सरकार चाहिए जो डेवलप करे। कैसी सरकार? सरकार कोई भी हो ऐसी होनी चाहिए जो जनता की सुने, जनता के लिए काम करे, ना कि अपने अपने जेब भरने के लिए काम करे। तो ये था आज का यंगिस्तान की सोच, जो कि देहरादून के CIMS इंस्टीट्यूट में था। यहाँ के यूथ का साफ कहना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो परिवार की तरह उनको रखे, परिवार की तरह उनकी समस्याओं को एड्रेस करे और विकास करे। पहाड़ में सुविधाएं हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तो पहाड़ का पलायन रुक सकता है और पहाड़ का विकास हो सकता है। आज के यंगिस्तान में की सोच में फिलहाल इतना ही, और अगले प्रोग्राम में कहीं दूसरी जगह से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।